बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास बी की सबनेटिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी, स्लैश किसको 17 के ऊपर हम लोगों ने काम की थी। आज देखते हैं कि स्लैश 18 के ऊपर काम करते हैं। 172.16.0.0 स्लैश 18। स्लैश 18 का मकसद ये हुआ कि 172 8 बिट्स यहाँ पे हो गए, 16 8 बिट्स यहाँ पे हो गए, ये मेरे पास हो गए 16 17 18। दो बिट्स में ऑन करता हूँ थर्ड ऑक्टेट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 लास्ट ऑक्टेट जीरो कर लेता हूँ। तो सबनेट मास्क क्या होगी इसकी, 255.255 यहाँ पे 192.192.192.0 इसकी सबनेट मास्क होगी। इसमें नेटवर्क्स कितने होंगे मेरे पास, इसमें नेटवर्क्स मेरे पास होंगे यहाँ पे 4 होंगे, 2 की ताकत 2, 4 ही आएंगे। अब होस्ट कितने होंगे मेरे पास, नेट होस्ट होस्ट मेरे पास 64 नहीं आएंगे मेरे भाई, होस्ट ये आपके पास होंगे 8 ही हो गए, और आपके पास 6 बिट्स ही हो गए 14। तो 2 की ताकत 14 मेरे पास कितने आ गए, 16384। 2 की ताकत 14 16384। तो मेरे पास यहाँ पे क्या 16384 होस्ट आ गए। अब इसमें से वैलिड होस्ट कितने होंगे, वैलिड होस्ट मेरे पास होंगे यहाँ पे वैलिड होस्ट मेरे पास होंगे 16382। क्योंकि अगर ये यहाँ पे माइनस नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पे कर ले, कोई मसला नहीं, यहाँ पे 84 कर ले और यहाँ पे 2 इसे माइनस कर ले। अब 16382 बचेगा आपके पास, कितने आपके पास है नेटवर्क्स में 4। तो फर्स्ट नेटवर्क को देखते हैं यहाँ पे 172.16.0.0 ये क्या हुआ मेरे पास, फर्स्ट नेटवर्क अपीयरेंस 172.16.0.1 फर्स्ट विजिबल अपीयरेंस। अब 172.16 अब यहाँ पे मैंने रुक जाना है, काम कहाँ पे हो रहा है, थर्ड ऑक्टेट के ऊपर हो रहा है। थर्ड ऑक्टेट में से मैंने देखना है कि मेरे पास 4 नेटवर्क आएंगे, कितने 4 नेटवर्क आएंगे। तो आपके पास 256 को आप 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 64 64 64 64 के हिसाब से आओगे, 4 टाइम्स 64। अच्छा उसे भी नहीं समझ पाते तो यहाँ पे देखिए 2 की ताकत 6 कितने आ गए 64। इस लिहाज से जाना है आपको थर्ड ऑक्टेट में, आपको 64 के लिहाज से जाना है। तो मैं 0 से यहाँ पे 63 कर लेता हूँ, क्या करता हूँ 63। 64 कितने बनेंगे, 0 से लेकर 63 तक 64 बनेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे 254 कर लेता हूँ। अगर आप ये समझते हो कि सर यहाँ पे मैं इसे 62 नहीं क्यों नहीं करता, 62 कर ली तो 256 आईपी दरमियान से आपने निकाली, कितनी 256 आईपी आपने यहाँ पे खलास कर दी। तो यहाँ पे मैंने 63 करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट आईपी जो 172.16.63.255 ये 63 तक जाएगा नहीं जाएगा, 0 से लेकर 63 तक जाएगा। तो 63 में देखें अगर लास्ट 2 आईपी होंगी वो आपके पास, ये लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बनेगी। अब यहाँ पे आएगा सेकंड सबनेट क्या होगी, 172.16.0.0 नहीं 64.0 क्या हुआ मेरे पास, नेटवर्क एड्रेस हुआ 172.16. क्या आएगा मेरे पास 64.1 आएगा, ये जाएगा 256 तक, कहाँ तक 256, मतलब 0 से लेकर 255 ही हुए। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करना कि 172.16. आपने थर्ड ऑक्टेट को चेक करना है, किसको थर्ड ऑक्टेट, तो 64 से जाएगा 127 तक .254 172.16.127.255 ये सेकेंड ऑक्टेट हो मेरे पास। थर्ड ऑक्टेट 172.16. 128 से जाके स्टार्ट होगा 0 नेटवर्क एड्रेस 172.16.128.128.1 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 172.16. कहाँ तक जाएगा मेरे पास 191 तक .254 172.16.191.255 ये थर्ड मेरे पास 3 सबनेट्स हो गए। अभी फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन क्या होगा कि 172.16. कहाँ से स्टार्ट होगा 192 से स्टार्ट होगा .0 ये मेरे पास नेटवर्क आईपी एड्रेस 172.16. क्या होगा 192.1 फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 172.16. क्या होगा मेरे पास, नहीं 223 कहाँ पे आएगा,
मैंने 32 ऐड नहीं करना इसमें, मैंने तो 64 के हिसाब से 255.254 नहीं मेरे भाई, 172.16.255.255। अब ये मेरे पास चार ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, सॉरी चार सबनेट मेरे पास कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ये मेरे पास क्या था, यहाँ पे स्लैश नोटेशन विद प्रीफिक्स लेंथ या /18। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।